सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। कुंवारी लड़कियों के लिए किसी नरक से कम नहीं है यह अनोखी प्रथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीरियड से यह मासिक धर्म प्रकृति की देन है। महिलाओं के साथ होने वाली ये चीज प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, लेकिन कई जगहों पर पीरियड्स की वजह से महिलाओं को नरक जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स के दौरान उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेपाल के कुछ इलाकों में आज भी ये अंधविश्वास माना जा रहा है। इसे छोपाड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं, जिसके मुताबिक पीरियड्स के दौरान महिलाओं को घरों से बाहर रखा जाता है। उन्हें घर से बाहर एक झोपड़ी में रखा जाता है, जिसे छोपाड़ी कहते हैं। इस प्रथा के मुताबिक शादीशुदा महिलाओं को पीरियड समय जहां एक दिन के लिए, तो वहीं अविवाहित महिलाओं को एक हफ्ते के लिए छोपाड़ी में रहना होता है। नेपाल में पीरियड्स के दौरान महिलाओं पर पाबंदी लगा दी जाती है। वो न तो घर से बाहर जा सकती है, वो न तो घर में रह सकती है, न रसोई घर जा सकती है, न वो मंदिर जा सकती है, न तालाब, न सार्वजनिक नलों में पानी पी सकती है। उनके साथ पराये जैसे व्यवहार किया जाता है। हालांकि इस प्रथा पर बैन लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी पश्चिमी नेपाल के इलाकों में यह प्रथा चालू ही है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।